अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी। और नाज़रीन, हम आज एक बार फिर से मौजूद हैं यहां रमज़ान सस्ता बाज़ार में, कि जैसा कि आज रोज़ा 70वां रोज़ा है और हम चल के आवाम से ये जानेंगे कि जो क्वालिटी है या जो प्राइसेस है, जो उनको जो लास्ट टाइम जो हमने विज़िट किया था, जो शिकायत हमें सुनने को मिली थी आवाम की तरफ से कि नई महंगाई है और जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं कोई ख़ास तौर पर सेट नहीं की गई रमज़ान को देखते हुए, तो उस बारे में हम लोगों से पूछेंगे कि क्या अब भी वही उनको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, जो मुश्किल हैं उन्हीं का सामना करना पड़ रहा है। तो उनसा क्या कहती हैं आपके, हमें अब शुरू करना चाहिए जाके पूछना चाहिए? जी बिल्कुल शहरयार, जो आपने बात की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे यहाँ पे चीज़ों की कीमतों की वजह से, कुछ ज़रा क्वालिटी में उन्हें इशू था कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक यहाँ पे बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, वॉक थ्रू के ज़रिए आप अंदर आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार भी उन्होंने मौजूद हैं जो कि हर टाइम यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए लोगों को यहाँ पर आई थिंक कोई इशू नहीं। और ख़ासतौर पर यहाँ पर एक चीज़ जो देखने में आ रही है, बहुत ज़्यादा रश लोगों का देखने में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ों की जो है प्राइस है काफ़ी बेहतरी है, जिसकी वजह से अभी पीछे हम देख सकते हैं, अभी हम आए और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है दिन के टाइम में भी, तो आई थिंक कि चीज़ों की क्वालिटी और प्राइसेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो हम यहाँ पे मौजूद जाके लोगों से जानते हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करें, उनसे पूछेंगे कि प्राइसिस से और चीज़ों की क्वालिटी से मुतमिन है, और अभी जो पहले रमज़ान जो शुरू के रमज़ान थे उनमें और अब में कोई फ़र्क आया है या पहले की तरह ही सब ठीक है? आपका नाम? अहमद हसन। अहमद भाई, आप रमज़ान बाज़ार में यहाँ मौजूद हैं, पहले आ चुके हैं यहाँ पर जब से रमज़ान शुरू हुआ? पहले भी आए हैं एक दफ़ा। तो पहले को लेकर और अब को लेकर जो मुख्तलिफ जो अशियाँ हैं, सब्ज़ियाँ या फल वगैरह हो गए, उनकी कीमतों को लेकर कोई आपको फ़र्क या कोई इंतजाम को लेकर कोई फ़र्क नज़र आया? नहीं, बाहर से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बाहर से रेट भी ठीक है। तो क्वालिटी और रेट बिल्कुल ठीक है? जी ठीक ठीक है। मतलब कि जो उधर बताया गया, जो मैंशन किया हुआ रेट्स वगैरह, उसी रेट पर चीज़ें मिल रही हैं आपको? उसी रेट पर मिल रही हैं। आपका नाम? मेहताब जी। मेहताब भाई, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपने पकड़ी हुई यहाँ से शॉपिंग की है रमज़ान सस्ता बाज़ार से, तो पहले आप यहाँ पे आ चुके हैं? जी सर, पहले मैं आता रहूँ, रेगुलर आता हूँ। तो पहले को लेकर जब आपका पहला विज़िट था और अब को अगर आप उससे कंपेयर करें, तो क्या महंगाई हुई है, कुछ बेहतरी आई है, कोई खामी ऐसी आप बताना चाहें? पहले से बेहतर है, पहले शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और काफ़ी चीज़ें शॉर्ट थी, अब बाज़ार थोड़ा बेहतर जा रहा है पहले से। तो कुछ ऐसा तो नहीं कोई मसला वगैरह कि अब जिनकी चीज़ों की मोस्टली होता है कीमत कम है तो वो एक मखसूस क्वांटिटी में आपको दी जाती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है? जो फ्रूट्स वगैरह हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, यहाँ पे गले सड़े फ्रूट रखे हुए हैं, चीप क्वालिटी के हैं, तो क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी नहीं है। रेट तो कम है लेकिन क्वालिटी वाइज, जैसे तरबूज देखें, तरबूज भी बिल्कुल छोटे छोटे दाने रखे हुए होंगे इन्होंने, और क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें नहीं है, रेट तो इन्होंने थोड़े कम किए हैं। तो मतलब आप क्या इनको रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? सर, मैं तो ये रिकमेंडेशन करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के लिए ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के बबरकत महीना है, इसमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करें, बजाय कि लोग टमाटर लेके जाते हैं घर में, जाके जब बैग खोलते हैं तो गले सड़े टमाटर निकलते हैं, इसी तरीके से आलू प्याज बीज में से ख़राब निकलते हैं, तरबूज लेके जाएँ तो वो कहता है ये तरबूज के हम काट के नहीं देते, जब घर पर जाकर तरबूज को काटते हैं तो वो सफ़ेद निकल आता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। असल कि जो यहाँ से मैं मटन लेके गया हूँ तो ऐसी क्वालिटी का, ख़राब क्वालिटी का गोश्त है यहाँ पे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से मटन नहीं लिया, तो क्वालिटी वाइज लो क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको देखे और इनको अच्छे तरीके से जो है ना ये करें। आपका नाम? मेरा नाम दीपा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वैसे ख़रीदारी तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कर ली है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जो चीज़ों की प्राइस है और जो क्वालिटी है उससे आप मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आपने शुरू के रमज़ान में, शुरू के रोज़ों में यहाँ पे विज़िट किए? मैं फ़र्स्ट टाइम आई। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम आई और आप मुतमईन हैं बिल्कुल हर चीज़ से, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी ठीक है? रेट अच्छा ही है, ना ज़्यादा है ना थोड़े। थैंक यू। आपका नाम? जमील वासी। जमील साहब, मुझे ये बताएं कि ख़रीदारी तो आपने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा की है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो चीज़ों की कीमतें हैं और जो क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सुनने में ये आ रहा है लोग कह रहे हैं कि ख़राब चीज़ें दुकानदार मिक्स दे रहे हैं आपको, उसमें ख़राब भी आ रही हैं सही भी आ रही हैं, तो आप मुतमईन हैं क्वालिटी और प्राइस से? मैं मुतमईन भी हूँ और चौथी दफ़ा आ रहा हूँ, मैंने सेब भी खुद डाले, उसने खुद नहीं डाले, मैंने खुद डाले, बाकी केला भी उसने अच्छा दिया है, रेट भी अच्छा है, मार्केट से मार्केट विज़िट करके मैं इधर आया हूँ और क्वालिटी भी ठीक है।
आप तो तीसरी चौथी दफ़ा आएँ, तो आपको तो जितनी भी दफ़ा आपने ख़रीदारी की, तो अभी वैसे एक चीज़ ये भी मुझे बताएं कि जो शुरू के रमज़ान में और अभी में कुछ कीमतों में फ़र्क आया, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, या जो शुरू में थी वही अब तक चल रही हैं? नहीं, कुछ में फ़र्क है। जिस तरह मैं सेब पहले लेके गया था यहाँ से 100 रुपये, आज वो सेब जो सफ़ेद वाला है वो 110 रुपये लगा हुआ है। लेकिन यह है कि वो आड़ू था वो 110 से 100 रुपये में था, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन मार्केट से फिर भी कंपेयर करते हैं तो अच्छा है। क्वालिटी से भी आप मुतमईन? क्वालिटी भी अच्छी है। सर थैंक यू। आपका नाम? नियामतुल्ला। नियामत भाई, इधर आप रमज़ान सस्ता बाज़ार में मौजूद हैं, तो पहले भी आप यहाँ पे आते रहते हैं? जी, एक दफ़ा पहले आया हूँ। तो आप पहले आए, तो अभी मैं देख रहा हूँ आपने ये जो ख़रीदी है यहाँ से मुर्गियाँ, जी तो क्या आपको ठीक रेट पर मिली हैं? जी, ये मुझे पसंद आ गए, असील मुर्गे हैं। जी, तो ये मैंने यहाँ से ख़रीदी है 600 रुपये का। तो अगर ये बाहर से ख़रीदता हूँ 1500-1600 रुपये का मिलता है मुझे। क्यों, बाहर से क्यों महंगा मिलता है? ये क्या मुर्गे में क्या है ऐसा? अभी यहाँ पे ये मंडी से लेके आते हैं ना, तो उसमें वगैरह वगैरह होते हैं, ये अच्छी नस्ल के मुझे पसंद आ गए हैं और सस्ते मिले हैं मुझे। जी, तो मतलब आप ये कहेंगे कि ये जो रमज़ान में जा रहा है ये वाकई में सस्ता है, कोई ये नहीं कि खाली बस कीमतें इन्होंने लिख के लगाई लेकिन दो चीज़ें महंगी रही हैं? ठीक है, आप इससे जो है सेटिस्फाइड हैं इस बाज़ार से? जी, सस्ता इसलिए तो आवाम आ रही है, अगर सस्ता ना होता इधर कौन आता ना। आज तो बस आपने खाली मुर्गियाँ ली हैं, क्या पकाएंगे क्या अंदर, सब्जी सब्जी कुछ? वो सब कुछ इंशाल्लाह वो किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस ये जो मेरा शौक है ये मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, बकाया सब ख़रीदा हुआ है हमने। हाँ जी, ठीक हो गया। तो इसको आप खुद ज़बह करेंगे तो इसे क्यों नहीं करवाया आपने? नहीं, ज़बह करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, ये मेरा शौक है। अच्छा, ये मुझे पसंद है, ये रखने के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक हो गया। आपका नाम? रियाज बेग। अच्छा रियाज साहब, आपने कोई लगता है थोड़ी बहुत ख़रीदारी अभी की है वैसे, तो मुझे बताएं आप यहाँ पे क्या लेने आए? मैं खजूर और तरबूज वगैरह केले से लेने आया हूँ। आपने विजिट कर लिया ये पूरी मार्केट? हाँ, कर लिया थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर मुझे बताएं कि जो प्राइसेस हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, प्राइस बाहर से और यहाँ पे कोई फ़र्क है? और साथ ही साथ मुझे बताएं कि क्वालिटी कैसी है यहाँ पे चीज़ों की? क्वालिटी वही है जो बाहर है, और रेट बाहर से महंगे। कनापुल में केले सस्ते 50-60 रुपये, यहाँ पे 135-140 रुपये दे रहे हैं। खजूर मैंने 2 किलो मांगा, 1 किलो दे रहे हैं, वो कह रहे आधा किलो भी नहीं है हमारे पास। खजूर आपको मतलब 2 किलो नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, 1 किलो दे दिया। मुझे बताएं कि आपने शुरू के रमज़ान में ये विज़िट की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम की है। अच्छा, आप पहली दफ़ा यहाँ पे आए, लेकिन आप यहाँ पे आके मुतमईन नहीं है चीज़ों से? नहीं, मुतमईन नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, जब हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे तब भी यहाँ पे हमें जो है मजिस्ट्रेट सिटी इकबाल साहब मिले थे, वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये बताइए कि आप फुल टाइम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं मैडम, फुल टाइम तो मैं नहीं होता क्योंकि मेरी दीगर दफ्तरी मसरूफियात भी हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। अच्छा सर, यहाँ पे अभी मतलब काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है प्राइसेस को लेके और क्वालिटी को लेके, लेकिन यह अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं बाहर की बनिस्बत, यहाँ पर ज़्यादा हैं, और क्वालिटी के हवाले से कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे अगर टमाटर है तो आपको मिक्स दे देंगे, इसमें ख़राब भी दे देंगे, सेब भी इस तरह मिक्स देंगे आपको, ये नहीं कि अच्छे सेब दें, ख़राब भी और सही भी दे देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के हवाले से कि आप इंतज़ामिया यहाँ पे इन चीज़ों को देख रही है? जी मैडम, बिल्कुल हम देख रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने तकरीबन 20 स्टॉल होल्डर्स हैं जो उनको यहाँ से रिमूव किया है, और उनकी जगह पे नए स्टॉल होल्डर्स को जगह दी गई। तकरीबन 50,000 के करीब पिछले हफ्ते में हमने यहाँ पर फ़ाइन किया है जो लोग ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं या क्वालिटी प्रॉपर नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली ये दरमियान में कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। कोई भी अगर आके आपको कंप्लेन करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं? फौरन मैडम, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं उसी टाइम आ जाता हूँ, अदरवाइज हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है बाहर, अगर मैं नहीं मौजूद तो वो उसमें अपनी कंप्लेन लिख जाता है स्टॉल नंबर के साथ, मैं जैसे ही आता हूँ जो मेरे स्टाफ के लोग मौजूद हैं वो मुझे बताते हैं और हम फौरन एक्शन लेते हैं। एक और चीज़ सर, ये जो यहाँ पे देखने में आई है खासतौर पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे, इस तरह और भी कुछ चीज़ें जो 1 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे, तो लोगों का ये कहना है कि हम बड़ी फैमिली हैं और अगर दूर से आते हैं सस्ता बाज़ार से कि हम 2-3-4-5 किलो ले जाएँ एक दफ़ा ताकि हमारे 1-2 हफ्ते गुजर जाएँ, तो चीज़ों के मतलब इतने कम है कि फिर हमें जो है ना रोज़ आना पड़ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर विज़िट करना। कुछ क्वान्टिटी बढ़ाई है लेकिन ये कैबिनेट का डिसीजन है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट जो डिसीजन देगी हम उसे उसी तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कोई क्वांटिटी चीनी जैसे हमने 2 किलो कोई ज़रूरत के तहत दे देते हैं, कोई बुज़ुर्ग है, कोई खातून है, कोई फैमिली बड़ी है, लेकिन जो कैबिनेट की पॉलिसी है हम उसको वायलेट नहीं करते। एक और चीज़ ख़ास तौर पे चीनी के हवाले से यहाँ पे जो शिकायत है वो ये है कि चीनी का स्टॉल एक तो नहीं प्रॉपर उस तरह से डेली नहीं लग रहा, या फिर आते हैं तो कहते हैं चीनी नहीं है, इस तरह की शिकायत देखने में आ रही है। वो ये शिकायत नमाज की ब्रेक की वजह से, अब रमज़ान का महीना है, स्टाफ को ब्रेक हमें देनी पड़ती है नमाज की,
उस नमाज की जब भी ब्रेक आधे घंटे की दी जाती है उसमें शोर मच जाता है कि जी वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन वो नमाज की ब्रेक पे गए होते हैं, हमने अब लिख के भी लगाया, अब ग्रेजुअली ये शिकायत कम हो गई है, लेकिन ये उस ब्रेक की वजह से है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, जहाँ तक हम लोगों से बातचीत कर रहे थे रमज़ान सस्ता बाज़ार में, जो जो है चीज़ों की क्वालिटी और उनकी प्राइस को लेकर, वहीं एक तरफ हमें एक ऐसा शख्स मिला जो दुनिया से कटा हुआ था, उसको अपने शौक़ के अलावा कुछ नहीं आता पता, ना अफ्तारी का तो ना सहरी का तो ना रमज़ान का, वो बस अपने असील मुर्गों की ही बात कर रहा था। तो उन सब मेरे तो अभी तक माइंड में वही बंदा फंसा हुआ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ यार, उसको तो कोई अता पता ही नहीं है रमज़ान बाज़ार का, वो बस इतना पता है मेरी मुर्गियाँ सस्ती, मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। आपका क्या कहना है रमज़ान बाज़ार को लेकर और उस इंसान को लेकर स्पेशली? हाँ बिल्कुल, वही मैं देख रही हूँ, जहाँ पे एक लोग इस टेंशन में कि आज शाम को इफ्तारी के लिए हम फ्रूट्स ले जाएं, खाना हांडी के लिए कुछ सब्जियाँ वगैरह ले जाएं, वो बंदा अपनी मस्ती में मज से सील मुर्गियाँ लेके जा रहा है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने लोगों से हमारी बात हुई, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा मुतमईन थे क्वालिटी को भी लेके, प्राइसेस को भी लेके, लेकिन वहीं पे कुछ एक आध छोटी मोटी हर चीज़ में कमी और खामी होती है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग थे, उनका ये कहना था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी क्वान्टिटी मतलब एक किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो लोगों ने मेंशन की वो ये कि सारी चीज़ें ख़राब और सही वो मिक्स दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे जब हमारी यहाँ पे मौजूद मजिस्ट्रेट सिटी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर कोई भी कस्टमर आके ये कंप्लेन करता है कि कोई भी जो है ना स्टॉल वाला हमें मिक्स चीज़ें दे रहा है जिसमें ख़राब भी दे रहा है, हम फ़ौरन उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उसको फ़ाइन करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, अगर आप जाके कंप्लेन करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो ये नहीं कि बस ठीक है आपने कर दी बात ख़त्म, आपको ख़राब चीज़ दे रहे हैं, अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो और चीज़ भी आपको सही देंगे, अगर नहीं देंगे आप जाके कंप्लेन करें उसी टाइम उस स्टॉल वाले को फाइन किया जाएगा। तो शहरयार ये तो वैसे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से यार, बहुत ज़्यादा मेरा और मेरा ये ख्याल है कि मैं तो अपने व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा नज़र आता है कि ऐसे कि कोई अनफेयर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, मिसहैप हो रहा है चीज़ों को लेकर, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे जो पेज है विजन टीवी का, और स्पेशली जो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है विजन टीवी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और देखना मत भूलिए। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।